ये है फिरोज शाह कोटला की जामे मस्जिद के नीचे का हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं, अपनी अपनी मान्यताएं लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? कोई जवाब नहीं है, कोई बोलना नहीं चाहता है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से दिए जलाए हुए हैं, अगरबत्ती है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं अपनी अपनी साधना कर रहे हैं अपनी अपनी चीज़। और ये चीज़ समझ से परे है क्योंकि इन सारी जगहों पर जो कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से सोया हुआ है। पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट के अंदर धुआं भरा हुआ है क्योंकि अगरबत्तियां जलाई गई हैं, अंदर जो है दिए जलाए गए हैं। लोग यहां अपनी अर्जी लगा रहे हैं। संरक्षित मॉन्यूमेंट का ऐसा हाल शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। किस बात का संरक्षण, किस बात की जाती है कि देश में कानून का राज है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें हर जगह पर गंदगी है, हर जगह पर प्लास्टिक पड़ी हुई है। जिधर आप देखेंगे उधर लोग बैठे हुए हैं, कहीं पूजा चल रही है तो कहीं नमाज चल रही है। सबके अपने अपने धर्म हैं, अपना अपना सोच है। और यहाँ पर देखिए किसी धर्म या जाति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की यही कहानी है। इतना अंधविश्वास है, समझ की कमी है कहीं ना कहीं। आप समझ सकते हैं कि लोगों में जो आर्कियोलॉजी के प्रति रुझान होना चाहिए उसको कभी भी जगाया नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगता है कि ये सब करना ठीक है और ये सब करना गलत नहीं है। लेकिन ASI को ये सारी एक्टिविटी रोकनी होगी।